नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज जो हम डिस्कस करेंगे बच्चों वो है वर्कशीट नंबर 30 क्लास 10th की। आज वर्कशीट हम डिस्कस करने वाले हैं, सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश। ठीक है स्टूडेंट्स, जो डेट है हमारी 12 सितंबर 2020। तो हमेशा की तरह स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है और यहाँ पर आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपको पता है 5th सितंबर जो होता है वो टीचर डे के लिए और टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, और इसमें हर बच्चा टीचर को विश भी करता है और एक रिस्पेक्ट वे में देखता भी है, क्योंकि टीचर जो है, एक टीचर ही ऐसा है जो कि हर चीज़ में, हर एक यू कैन से चीज़ों के अंदर, या कोई भी डाउट होता है या लाइफ में कोई डिसीजन लेना होता है तो टीचर ही एक ऐसा होता है जो कि पेरेंट्स, गार्डियन और उसकी तरह काम करता है। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, और यहाँ पर जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल विद बेल आइकन, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है स्टूडेंट, तो देखते हैं यहाँ पर टीचर डे के लिए क्या यहाँ पर वर्कशीट में बोला हुआ है। तो इट वॉज टीचर डे लास्ट वीक ऑन September 5, 5 सितंबर। आज जैसे कि 12 सितंबर की हम ये वर्कशीट डिस्कस कर रहे हैं, मगर लास्ट ही वीक 5 सितंबर गया था, जो कि टीचर डे के लिए जो टीचर डे माना जाता है। हाउएवर यू कुड नॉट सेलिब्रेट इट द वे यू डू एवरी ईयर, जबकि आपने इस बार सेलिब्रेट नहीं किया जो कि हमेशा हर साल आप करते हो। दिस ईयर यू रियलाइज द इम्पोर्टेंट प्लेस ऑफ टीचर्स इन योर लाइफ, तो इस साल आपको रियलाइज हुआ कि क्या इम्पोर्टेंट है और क्या चीज़ आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखती है टीचर के लिए। तो यहाँ पर एक मैसेज दिया हुआ, आई मिस यू माय टीचर। क्यों? क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि मिस क्यों किया हमने, क्योंकि अभी स्कूल कॉलेजेस नहीं ओपन हुए स्टूडेंट्स के लिए, तो इसीलिए टीचर डे जो सेलिब्रेट होता था हमारा स्कूल में या कॉलेजेस में, वो सेलिब्रेट नहीं हो पाया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको जो टीचर डे के लिए वर्कशीट दी हुई है उसमें हमें क्या एक्सप्लेन करना है। एज यू वॉच एंड लिसन टू योर टीचर्स इन द ऑनलाइन क्लास टुडे, जैसे कि आज आप सुन रहे हो और देख भी रहे हो कि ऑनलाइन क्लास ही चल रही है, वो आप टीचर के थ्रू गेन कर रहे हो नॉलेजेस को। सो यू डिसाइड टू राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ, जिसमें 100 to 120 वर्ड्स का एक पैराग्राफ आपको शॉर्ट में लिखना है अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ टीचर इन योर लाइफ, तो जो इम्पोर्टेंस रखती है आपकी लाइफ में टीचर के लिए, उससे रिलेटेड आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है एंड सेंड इट टू ऑन योर क्लास व्हाट्सएप ग्रुप अलोंग विद द सबमिशन ऑफ योर वीकली वर्कशीट, और फाइनली आपको व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू सेंड कर देना है अपनी क्लास में, और प्लस आप सबमिट कर देना है जो भी ये वीकली वर्कशीट है। ठीक है बच्चों, तो यू मे यूज द फॉलोइंग वर्ड एज यू राइट द योर पैराग्राफ, तो जो पैराग्राफ आप लिखोगे 100 to 120 वर्ड्स में, उसमें आपको जो वर्ड्स लिखने हैं, जो यूज करने हैं, वो ये सारे के सारे वर्ड्स आपके होने चाहिए। अप्रिशिएट, पॉजिटिव डिफरेंस, टॉयल, स्किल, ग्रेटिट्यूड, स्ट्रेंथ, ग्रेटफुल, एनक्रेज, कॉन्फिडेंस, हेल्प, गाइड, लव, काइंडनेस, तो दीज आर द वर्ड्स दैट विल बी यूज इन योर पैराग्राफ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ को। सो यहाँ पर हमने पैराग्राफ देखा, और पैराग्राफ देख रहे हैं हम कि क्या होगा। तो यहाँ मैंने आपका लिखा हुआ है लेटर, जो आप यहाँ पर पैराग्राफ की फॉर्म में दोगे अपने टीचर्स को। तो यहाँ देखिए स्टार्ट करते हैं, टीचर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अवर लाइफ, जो टीचर्स है वो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे गाइड अस टू बिकम सक्सेसफुल इन करियर एंड बिजनेस, वो गाइड करते हैं आपको जिससे कि आप सक्सेसफुल पर्सन बनो अपने करियर से एंड बिजनेस में, जिसमें भी आप काम करना चाहते हो कि वहां पर आपको कोई दिक्कत ना आए। ए गुड टीचर हेल्प्स अस टू बिकम ए गुड ह्यूमन बीइंग इन सोसाइटी एंड गुड सिटीजन ऑफ द कंट्री, एक अच्छा टीचर ही वो होता है जो आपकी हेल्प करता है
ह्यूमन बीइंग बनने में, सोसाइटी के अंदर गुड ह्यूमन बीइंग बनने में और गुड सिटीजन बनने में, जो कि देश के अंदर आप गुड सिटीजन शो करो अपने आप को, ठीक है बच्चों। तो ये सारी चीजें जो पहले पैराग्राफ में हमने पढ़ी टीचर के बारे में, उसके बाद कुछ वर्ड्स जो दिए हुए थे ऊपर, वो सारे वर्ड्स हमने यहाँ पर यूज किए हुए हैं। आई अप्रिशिएट माई टीचर्स एफर्ट इन मेकिंग माई फ्यूचर, तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपने टीचर को जो उन्होंने एफर्ट किया मेरे फ्यूचर को बनाने में, ठीक है बच्चों। तो ये चीजें यहाँ पर देखिए वर्ड आया हुआ है अप्रिशिएट, ठीक है, तो आप अप्रिशिएट करते हो। देयर पॉजिटिव डिफरेंस ऑलवेज मेक्स मी टू वर्क हार्ड टू गेट गुड मार्क्स एंड टू एनहांस माई नॉलेज, तो उनका जो पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव डिफरेंस है जो कि हमारे हमें गुड मार्क्स लाने में और हमारी नॉलेज को एनहांस करने में हेल्प करता है और बनाता है चीजों को, ठीक है बच्चों। माय टीचर्स टॉयल्ड बियॉन्ड देयर स्ट्रेंथ फॉर टीचिंग अस एंड फॉर क्लियरिंग अवर डाउट्स, मेरे टीचर टॉयल्ड का मतलब होता है बच्चों हार्ड वर्क, मेरे जो टीचर है उन्हीं का हार्ड वर्क जो कि बियॉन्ड द लिमिट बियॉन्ड द स्ट्रेंथ जाके वो मेरी हेल्प करते हैं और मेरे डाउट्स को, मेरे कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, ठीक है बच्चों। देयर स्किल रिफ्लेक्ट इन अस, उनकी जो काबिलियत है, उनकी जो कौशलता है वो रिफ्लेक्ट करती है हमारे अंदर। एंड आई वांट टू एक्सप्रेस माय सिंसियर ग्रेटिट्यूड फॉर द एफर्ट्स दे हैव टेकन इन टीचिंग अस ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड, मैं चाहता हूं कि मैं उनका जो एफर्ट है जो वो टीचिंग में लगा रहे हैं ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड, मैं उनको सिंसियरली ग्रेटिट्यूड करता हूं उनका। देयर स्ट्रेंथ आर पेशेंस काइंडनेस एबिलिटी टू सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट कोऑपरेशन एटसेट्रा, जो उनकी स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल पेशेंस के साथ है, बिल्कुल काइंडनेस के साथ है, और जो उनके अंदर जो भी कॉन्फ्लिक्ट आता है हमारे अंदर वो उनको सॉल्व करते हैं और कोऑपरेशन भी उनका बड़ा रहता है, ठीक है। दीज आर द स्ट्रेंथ्स ऑफ आवर टीचर्स, आई एम ग्रेटफुल टू देम फॉर टीचिंग एंड गाइडिंग अस, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि जो मेरे टीचर्स हैं वो मुझे टीच करने में और मेरी हेल्प करने में, गाइड करने में पूरी हेल्प करते हैं। व्हेनेवर वी फील डिस्करेज दे एनकरेज अस, जब कभी भी हमें फील होता है कि अगर हम डिस्करेज हो रहे हैं तो वो हमें एनकरेज करते हैं एंड फील कॉन्फिडेंस इन अस, और हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भरते हैं। देन वी कैन डू एवरीथिंग इन लाइफ, और बताते हैं कि यू कैन डू एवरीथिंग, कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, सब कुछ आप कर सकते हो अपनी लाइफ के अंदर, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। दे आर ऑलवेज रेडी फॉर हेल्पिंग अस, वो हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। दे लव अस लाइक देयर ऑन चाइल्ड, वो हमें प्यार करते हैं जिस तरह से वो अपने बच्चों को प्यार करते हैं उसी तरह से हमें भी प्यार करते हैं। तो दीज आर द दैट इज द पैराग्राफ दैट कंटेन्स ऑल द वर्ड्स दैट विल बी यूज बाय दिस वन, जो कि मेंशन था हमारा, वो सारे वर्ड हमने यहाँ पर इस पैराग्राफ में यूज किए। और एक टीचर के अंदर जो टीचर हमारी हेल्प करता है पूरे करियर, बिजनेस और सब चीजों में, हमें कहीं पर भी कोई डाउट नहीं आने देते, अगर डाउट आते हैं तो हम टीचर से हेल्प लेते हैं हमारा फ्यूचर बनाने में, हमारी नॉलेज बढ़ाने में, सब चीज में, ईच एंड एवरीथिंग दैट विल बी गाइड बाय द टीचर। सो दिस इज द पैराग्राफ जो हमने वर्कशीट में समझा। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई है, पसंद आई है, तो लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें जिससे कि आपका कोई भी मिस ना हो, कोई भी वीडियो मिस ना हो, और जितना ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर सकते हो उतना करिए जिससे कि कोई भी फ्रेंड सर्कल में आपका बिना वर्कशीट के रह ना जाए, ठीक है बच्चों। तो मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू।